हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर टॉक्स विद सावन कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट चैलेंजेस। सो चैलेंजेस एज अ करियर बिल्डर, एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग गाय लाइक यू, क्यों आपको चैलेंज लेना जरूरी है, क्यों आपकी जिंदगी में चैलेंजेस का होना जरूरी है, क्यों चैलेंज इज समथिंग जिसके बिना आप नहीं रह सकते, और क्यों हम सभी चैलेंजेस से डरते हैं, क्यों हम सभी चैलेंजेस से डरते हैं, चैलेंजेस से दूर भागते हैं, और क्यों खुद के लिए एक बिना चैलेंज वाली जिंदगी जीते हैं। पर क्या हम समझ पाते हैं जब हमने अपने लिए एक आराम वाली, एक बिना चैलेंजेस वाली जिंदगी चुनी है, तो क्या हम ये समझ पाते हैं कि हम अपने आज को तो लेस चैलेंजिंग बना ले रहे हैं, बट क्या हमारा कल भी उतना ही कम चैलेंजिंग होने वाला है? क्या हम थोड़ा दूर का कैलकुलेशन कर पाते हैं जब हम अपनी जिंदगी को कम चैलेंजिंग बनाने की कोशिश करते हैं? तो आज हम बात करेंगे इन चैलेंजेस के बारे में, और कैसे अपने शॉर्ट टर्म विजन को थोड़ा लॉन्ग टर्म बनाएं, कैसे थोड़ा मैथ्स को यूज करें और समझें क्यों जरूरी है आज चैलेंजेस लेना, सो दैट कल कुछ भी चैलेंजिंग ना रहे आपकी जिंदगी में। क्यों जरूरी है आज अनकंफर्टेबल रहना, क्यों जरूरी है आज कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, सो दैट कल आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े, सो दैट कल आपका चैलेंजिंग ना हो। क्यों जरूरी है ये? हम एज ह्यूमन बींग्स नेचुरली हमें भगवान ने जिस तरह बनाया है वो चैलेंजेस लेने के लिए ही बनाया है, बट समहाउ व्हाइल वी ग्रो हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि चैलेंजेस लेना इज नॉट अ गुड थिंग। जब हम छोटे थे और जब हम चलना सीख रहे थे, क्या वो चैलेंजिंग नहीं था? जब हम बोलना सीख रहे थे, क्या वो चैलेंजिंग नहीं था? जब हम सीधे खड़े होना सीख रहे थे, क्या वो चैलेंजिंग नहीं था? जब पहली बार आपने शायद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था, क्या वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था? अपने पैरों पर खड़ा होना क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था? फिर भी आप खड़े हो, क्योंकि कभी किसी ने आपको बताया नहीं कि वो चैलेंजिंग है, बस आपको ये पता था कि आपको खड़ा होना है। नो मैटर वॉट, आप कितनी भी बार गिरो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता था कि आपको खड़ा होना है। आपको गिरने के बारे में पता ही नहीं था, गिरने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ती थी, तो आप खड़े हो जाते थे। आप साइकिल चलाना सीख जाते थे, आप बाइक चलाना सीख जाते थे, आप कार चलाना सीख गए, बट आज आप अचानक चैलेंजेस से डरने लगे हो, आप आज अचानक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में डरने लगे हो। ऐसा क्या बदल गया बचपन से अभी तक में, ऐसा क्या बदल गया कि कल तक जो इंसान हर समय चैलेंजेस लेना एक्सेप्ट करता था, आज अचानक वो चैलेंजेस लेना बंद कर दिया? यू नो व्हाट हैज चेंज्ड यू, व्हाट हैज चेंज्ड यू? वन इज कि हमेशा हमारे चारों तरफ हमें लोग यही कहते हैं, बेटा वो काम मत करो उसमें रिस्क है, बेटा ये मत करो इसमें रिस्क है, बेटा ऐसा कुछ भी मत करो जिससे बहुत परेशानी होगी, बेटा ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। यू नो, आपको हमेशा हमेशा ये बोला जाता है कि बेटा एकदम सीधे रास्ते चलो, थोड़ा भी इधर उधर कुछ भी मत करो, बिकॉज अगर इधर जाओगे तो गिरोगे तो तुमको परेशानी होगी। एंड दैट इज वॉट आर पेरेंट्स और आर सोसाइटी वॉन्ट्स अस टू डू, नॉट फेस एनी चैलेंज। हम वो चाहते हैं कि हम कोई परेशानियां ना झेलें, वो चाहते हैं एज गुड पेरेंट्स, एज गुड नेबर्स या एज गुड सोसाइटी पीपल, वो चाहते हैं कि हम कोई परेशानी ना झेलें, बट क्या वो ये समझते हैं कि अगर मैं परेशानी नहीं झेलूंगा तो मुझे परेशानियों को झेलने की आदत कैसे होगी, और परेशानियों को झेलने के बाद जो इंसान बनूंगा मैं वो कैसे बनूंगा? चैलेंजेस को फेस करने के बाद जो मैं इंसान बनूंगा वो मैं कैसे बनूंगा? अगर मैंने चलने का चैलेंज नहीं लिया होता तो मैं चलना कैसे सीखता? अगर मैं
सीधे रास्ते ही चलूंगा तो मुझे कैसे पता होगा कि दाहिने से एक शॉर्टकट भी है? कैसे पता होगा कि वो जो रास्ता लेकर जाता है, वो जहां लेकर जाता है, वो बहुत सुंदर आइलैंड है? कैसे पता होगा अगर मैं वो चैलेंजेस नहीं लूंगा? कैसे पता चलेगा अगर मैं अपने बड़ों के बनाए हुए ही रास्ते पर चलूंगा तो कैसे? हाँ, वो रास्ता आसान होगा। हाँ, वो रास्ता बहुत आसान होगा क्योंकि कई लोग उस रास्ते पर चल चुके होंगे। पर क्या वो चैलेंजिंग होगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो चैलेंजिंग नहीं होगा तो उतना मजा भी नहीं आएगा। तो उस एंड तक जब आप पहुंचोगे तो उस एंड पर जो मिलेगा आपको वो उतना मजेदार नहीं होने वाला है, क्योंकि उस रास्ते पर इतने लोग चल चुके हैं, उस रास्ते पर इतने सारे लोग चल चुके हैं कि अब आप जब पहुंच रहे हो तो आपको वो सब लोग वहां पे मिलेंगे और उस जगह के रिसोर्सेस को उन लोगों ने यूज कर चुका होगा। तो आपको जितने ज्यादा चैलेंजेस मिलेंगे आपको रास्ते में, उतना ही अच्छा आपका किनारा होगा, आपका डेस्टिनेशन होगा, उतना ही अच्छा, उतना ही प्रीमियम आपका डेस्टिनेशन होगा। तो हम नंबर वन अपने फैमिली मेंबर्स, अपने सोसाइटी, अपने नेबर्स के कारण चैलेंजेस नहीं लेना पसंद करते। दूसरा हम खुद में धीरे धीरे इतने लेजी हो जाते हैं, इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि अब हम खुद से ही चैलेंजेस लेना पसंद नहीं करते, हम खुद में ही रिस्क लेना पसंद नहीं करते। जबकि हम ये भूल जाते हैं आज के समय में रिस्क नहीं लेना इज द बिगेस्ट रिस्क, चैलेंजेस नहीं लेना इज द बिगेस्ट चैलेंज, अपने सपनों को गिव अप कर देना इज द वर्स्ट ड्रीम दैट वन कैन हैव। अगर आप अपने सपनों को गिव अप कर रहे हैं, अगर आपके सपनों का कुछ है और अगर आप उसे गिव अप कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा चैलेंजिंग और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग और कुछ भी नहीं हो सकता। चैलेंजिंग वो नहीं जो आप करते हो टू अचीव योर ड्रीम्स, चैलेंजिंग वो नहीं जो आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हो, चैलेंजिंग वो होता है जो आप जब सपने को नहीं पाते हो तो जो मिलता है उसे एक्सेप्ट करना। तो आप कौन से चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करते हो, कौन से चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? अपने सपनों को पाने के रास्ते में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो, या अपने सपनों को ना पाने का जो एक गम, अपने सपनों को ना पाने का जो एक दुख, या अपने सपनों के लिए मेहनत भी ना करने की जो एक पछतावा आपके अंदर होगा, आप उस चैलेंज को फेस करना चाहते हो? दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट, दैट यू नीड टू डिसाइड। और हम जब अपने इस कंफर्ट जोन को चूज करते हैं, हम जब अपने इस नॉन चैलेंजिंग एटीट्यूड को चूज करते हैं, हम चैलेंजेस नहीं लेना चूज करते हैं, तो हम ये नहीं कैलकुलेट कर पाते कि आने वाली जिंदगी 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद कैसी होगी। अगर मैं आज जब मैं 30 ईयर्स या 35 ईयर्स का हूँ, मैं अगर आज चैलेंज नहीं ले रहा हूँ, तो जब मैं 45 का होऊंगा या 50 का होऊंगा, क्या मेरी जिंदगी ऐसी होगी कि उस समय मुझे चैलेंज ना लेना पड़े? उस समय मेरी जिंदगी कंफर्टेबल होगी? उस समय मेरी जिंदगी में हर वो चीज़ होगी जिस चीज़ के बारे में मैंने सोचा है या सपनों में देखा है? क्या मेरे पास वो हर चीज़ होगी? और अगर नहीं हुई तो वो 40 या 45 की उम्र में वो समय ज़्यादा चैलेंजिंग होगा देन द चैलेंजेस दैट यू वुड हैव टेकन अभी। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ समझ आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हैं? आप चैलेंजेस आज भी लोगे? अगर आप चूज करते हो आज नहीं लेने का, तो आपको उस चैलेंजेस को कल फेस करना पड़ेगा, और वो जो कल आपको जो चैलेंजेस मिलेंगे ना, वो और ज़्यादा डेंजरस होंगे, वो और ज़्यादा भयावह होंगे, वो और ज़्यादा रिस्की होंगे। अगर आपने आज रिस्क नहीं लिए तो आपका कल बहुत रिस्की होगा, अगर आपने आज चैलेंजेस नहीं लिए तो आपका कल बहुत चैलेंजिंग होगा, अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए तो आपका कल बहुत अनकंफर्टेबल होगा। सो अपने कल को कंफर्टेबल बनाने के लिए, अपने कल को लेस चैलेंजिंग बनाने के लिए, अपने कल को मोर सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको आज को चैलेंजिंग बनाना पड़ेगा, अपने आज
को रिस्की बनाना पड़ेगा, अपने आज को अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ मेरे रास्ते पे, और बनाओ अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग। कुछ नया सुना आपने, कुछ नया सुना आपने शायद। बनाओ, चलो बनाते हैं अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, चलो बनाते हैं अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल। वाओ, और चलो बनाते हैं अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा रिस्की। बनाते हैं, चलो बनाते हैं अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल, सो दैट कल मेरी जिंदगी में सबसे कम रिस्क, सबसे ज्यादा कम चैलेंजेस और सबसे ज्यादा कंफर्ट्स हो, सबसे ज्यादा कंफर्ट्स हो। तो क्या आप तैयार हो, तो क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आज बनाने के लिए? तो क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लेने के लिए? तो मेरे साथ चलो और बनाते हैं एक सक्सेसफुल टुमारो बाय मेकिंग अ सक्सेसफुल टुडे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी सावन कुमार, और मिलेंगे हम फिर अगले दिन अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक फ्रॉम मी सावन कुमार, हैव अ ग्रेट एंड अ वंडरफुल डे।